नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांगे उठने लगी है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव जितने अपने 40 साल के कार्यकाल में जो है जितने भ्रष्टाचार और लूट किया है उसे उन्हें भारत लूट रत्न देना चाहिए। तो ऐसे में आपको बता दें कि साफ तौर पर सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद जो है बिहार की सियासी गलियारों में हलचल अब तेज हो सकता है और फिर से एक बार वार पलटवार का दौर जो है वो कायम हो जाएगा, क्योंकि आए दिन लगातार जो है 25 के विधानसभा चुनाव होने वाला है। इससे पहले बिहार में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भी लगातार जो है वार पलटवार का दौर चल रहा है। ऐसे में सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद जो है हलचल तेज होना लाजमी है। आपको बता दें कि राजद की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री लालू यादव को भारत रत्न दिए जाने की मांग पर भाजपा ने चुटकी ली है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू ने अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में जितने घोटाले किए हैं उसे देखते हुए उन्हें भारत लूट रत्न दिया जाना चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा कि जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने तब 4 घोटाला किया, उसके 4 मामलों में उन्हें ऐसी सजा हुई कि अब वो मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। लालू की सरकार में 4 घोटाला के अलावा अलग तरह घोटाला हुआ। यही नहीं, केंद्र सरकार में रेल मंत्री बने तब नौकरी के बदले जमीन घोटाला किया और रेलवे के होटल बेच दिए। हम बता दें कि साफ तौर पे आगे उन्होंने कहा कि पीढ़ियों को गर्त में ढकेलने के लिए लालू प्रसाद को भारत रत्न देना चाहिए। वैसे में उधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने राजद प्रमुख को भारत रत्न देने की मांग पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लालू देश दुनिया में अपने भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार का नया कीर्तिमान स्थापित किया है, इसलिए लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न नहीं बल्कि भ्रष्टाचार रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के लिए भारत रत्न की मांग का राजद देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का अपमान कर रहा है। राजनीति में कोई ऐसा सगा नहीं जिसे लालू ने ठगा नहीं। अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए उन्होंने हमेशा समाज को बांटने और लड़ाने का काम किया। आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले में तो इनका कारनामा जग जाहिर है। तो ऐसे में ताजुब की बात तो यह है कि राजद पोषित लोग लालू जैसे सजाए याप्ता के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। यह मांग करना भी भारत रत्न की प्रतिष्ठा का अपमान है। बता दें कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो देश के लिए असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। देश के लिए असाधारण योगदान विज्ञान, साहित्य, कला, सार्वजनिक सेवा, खेल आदि क्षेत्रों में असाधारण योगदान। ऐसे में बता दें कि अब जो है लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की जो मांगे हैं वो तेज हो गई है और ऐसे में जो है लगातार सरकार की तमाम जो नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ साफ प्रभाकर मिश्रा भी कह दिए हैं कि भारत रत्न नहीं बल्कि उन्हें भ्रष्टाचार रत्न देना चाहिए, क्योंकि इससे अगर भारत रत्न दिया जाता है तो भारत रत्न का भी अपमान होगा। और बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने जितने अपने कार्यकाल में जितने राजनीति में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसे उन्हें भारत रत्न नहीं बल्कि भारत लूट रत्न देना चाहिए, ऐसा कहना सम्राट चौधरी का था। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।